नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका द लवली पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका लर्निंग लाइसेंस बन चुका है उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करना है और कैसे उसका इजीली स्लॉट बुकिंग करना है। क्योंकि लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस पेमेंट काट देते हैं लेकिन स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रहा है, उसमें फ़ीस पेमेंट भी कट रहा है, काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद लर्निंग लाइसेंस आपका जो है उसकी डेट निकल जा रहा है, एक्सपायर हो जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के तुरंत बाद ही इसका स्लॉट बुकिंग करना है। तो आज के वीडियो में पूरा पूरा डिटेल में बताएंगे किस तरीके से आप भी इजीली अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करके स्लॉट बुकिंग कर सकते हो। सबसे पहले ज़्यादा टाइम व्यस्त ना करते हुए आपको सबसे पहले बता देते हैं, सबसे पहले आपको द लवली पॉइंट फैमिली को करना है यहाँ से सब्सक्राइब, पास में करना है बेल आइकन घंटी, सिंपल से ऑल पर प्रेस, जिससे क्या होगा कि अदरवाइज हम कोई भी अदर वीडियो डालते हैं उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले आ सके। सबसे पहले आपको जो है सारथी परिवहन की वेबसाइट को ओपन करना है, जो ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। सारथी परिवहन को जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे स्टेट मांगने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका जो भी स्टेट पड़ता है, सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपका जो भी स्टेट पड़ता है आप सेम वेबसाइट सेम ही है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक एरर सा आ रहा है, इसको आपको यहाँ पे कट ऑफ करना है, क्योंकि सबसे पहले ये लर्निंग लाइसेंस के लिए होता है। लर्निंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे लर्निंग के लिए आवेदन कर सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल क्या करेंगे हम ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग और एप्लीकेशन स्टेटस पर जा करके यहाँ पे आपको अपना जो है लर्निंग लाइसेंस जो है एक बार एप्लीकेशन स्टेटस में ज़रूर चेक करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस है, देखो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, यहाँ पे जैसे हमने अभी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद डाला यहाँ पे हमने अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे U42DQM ये डाला हमने कैप्चा, उसके बाद कर दिया हमने सबमिट। जैसे हम यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे बटन पे क्लिक करें तो इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन जो स्टेटस होता है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको हम एप्लीकेशन स्टेटस खोल करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे कहा है एप्लीकेशन स्टेटस में सबसे पहले आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो कर देता है, उसके बाद यहाँ पे आपका ARTO कोड, यहाँ पे RTO कोड आ जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन डेट जो भी है वो आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका DOB आ जाएगा, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो UP38 या आपका जो भी RTO का जो कोड होता है लर्निंग लाइसेंस नंबर, इसको क्या करना है आपको यहाँ से कर लेना है, इसको कॉपी। जैसे आप इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे उसके बाद क्या करना है आपको आ जाना है स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे कर लेना है इसको होम के ऑप्शन पे क्लिक। जैसे आप होम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये जो वेबसाइट है होम के यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको करना है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके न्यू ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, सेम प्रोसीज होता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने की बात करते हैं, यहाँ पे जो फॉलोइंग आर द स्टेज इन एप्लीकेशन सबमिटेड इन इशू ड्राइविंग लाइसेंस द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे फर्स्ट कंटेंट आपका मिल जाता है फिल एप्लीकेशन डिटेल, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन का डिटेल फिल करना पड़ेगा, एंड सेकेंड ऑप्शन पर मिल जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड, एंड थर्ड नंबर पे मिल जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट एंड सिग्नेचर इन रिक्वायर्ड एप्लीकेशन बाय ओनली सेम स्टेट। कुछ कुछ स्टेटों में ये फोटो सिग्नेचर मांगता है, कुछ कुछ स्टेटों में ये चीज़ नहीं मांगता। एंड उसके बाद मिल जाता है DL टेस्ट स्लॉट बुकिंग, स्लॉट बुकिंग इज मेन कंटेंट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। एंड यहाँ पे जो फाइव पेमेंट फीस मांगता है यहाँ पे वेरीफाई करना है इसको। और सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या होता है, करने की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस नंबर मांगा जा रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस नंबर जो भी आपका यहाँ पे फिलअप करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है। जैसे हम अभी आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करके दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल ही करना है। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे इसको फिल करके दिखाया हमने, उसके बाद आपको करना है ओके। जैसे आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से यहाँ पे जो है ये आपका पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। सबसे पहले डैशबोर्ड खुलने के बाद आपको अपना डिटेल वगैरह पूरा चेक करना है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन पर आकर के यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस मैंसन करना है, ये जो आपका यहाँ पे बोल रहा है sarthi.prevent.gov.in इनसे द फॉलोइंग एड्रेस सेल टू बी प्रिंट इन ऑन योर स्मार्ट कार्ड। इसका कहने का प्लानिंग यह है कि आपका जो एड्रेस है सेम एड्रेस आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस का स्मार्ट कार्ड बन करके आएगा, ये एड्रेस छप के आएगा।
सबसे पहले आपको अपना एड्रेस कंफर्म करना है, उसके बाद यू आर श्योर मतलब आप कंफर्म है इस चीज़ से, तो आपको सेव डाटा बटन पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका जो है कॉन्ग्रेचुलेशन लिख करके योर एप्लीकेशन हैज़ बी सबमिट सक्सेसफुली, काइंडली नोट योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डिस्पैक्ट ऑन योर स्क्रीन रेफरेंस। आपके मोबाइल पे एक एप्लीकेशन नंबर और उसका एक डेट ऑफ बर्थ चला जाएगा। एंड आपको क्या काम करना है, यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना है और इस चीज़ को एक आपको प्रिंट यहाँ से करके इस चीज़ को सेव कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, ये थोड़ा आपका एप्लीकेशन स्टेटस फॉर ड्राइविंग लाइसेंस फर्स्ट कंटेंट, मैंने एप्लीकेशन स्टेटस खोल के दिखाया था लर्निंग लाइसेंस का, लेकिन ये जो जेन्युइन में आ रहा है यहाँ पे कंटेंट इज ड्राइविंग लाइसेंस फॉर योर लर्निंग, लर्निंग आपका बनने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन स्टेटस सेम प्रोसेस से चेक करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, उसके बाद आपको फीस पेमेंट। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको कि स्लॉट बुकिंग बिफोर पेइंग फी मेक श्योर स्लॉट इज अवेलेबल। इसका कहने का मतलब है कि फीस पेमेंट करने से पहले एक बार आप अपने मतलब श्योर हो जाइए, एक तरीके से पहले ही स्लॉट चेक कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, ये जो है सारथी परिवहन जो है यहाँ पे ले जाएगा स्लॉट बुकिंग के मेक श्योर डाटा के अंदर कि आपको स्लॉट बुकिंग मिल जाएगा या फिर स्लॉट बुकिंग नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले रेड क्रॉसिंग की बात करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया रेड क्रॉसिंग का मतलब होता है कि ये स्लॉट बुकिंग हो चुका है। ये जो नीले कलर में आ रहा है इसका मतलब है ये हॉलीडे छुट्टी वगैरह हो जाता है, ठीक है। एंड आपको देखो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन में आते हैं तो यहाँ पे देखो ये डेटें काफ़ी सारी खाली मिल जाती हैं, ये डेट आप आराम से इजीली बुकिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक बार म्यूक डाटा यहाँ पे सिक्योर हो जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये टोटल डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड एंड आपको लर्निंग लाइसेंस अपलोड करना होता है। उसके बाद फी पेमेंट अलग अलग RTO का अलग अलग फी पेमेंट होता है। जैसे हमारी जो स्टेट लगता है UP, यहाँ पे 1000 रुपये का ड्राइविंग लाइसेंस फी पेमेंट कटता है, डिडक्ट होता है। एंड आपको स्लॉट बुकिंग कर लेना है मेक श्योर। इस तरीके से आप भी अपना स्लॉट बुकिंग इजीली कर सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी सारा पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन घंटी सिंपल से ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।